नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल के दोस्तों टॉप 250 क्वेश्चन हैं और ये वो प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, 2019 के नए प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। दोस्तों, बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न हैं और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है उनमें दोस्तों 10 नंबर के प्रश्न तो जरूर हर एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे इसके अंदर से। तो दोस्तों, 10 नंबर आपके पक्के हैं अगर आपने इन प्रश्नों को पढ़ लिया है तो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर यानी कि सैंडल पीक जिसको अपन बोलते हैं ये स्थित है। तो दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सैंडल पीक है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है उत्तरी अंडमान में। कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में। डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सुमेलित कीजिए, एक तरफ है सूची फर्स्ट और दूसरी तरफ है सूची सेकंड, एक तरफ है परियोजनाएं दूसरी तरफ है राज्य, तो अपने को इसमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखो, मयूराक्षी परियोजना है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है मयूराक्षी परियोजना। शारदा सहायक परियोजना है ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, और भीमा परियोजना है ये दोस्तों महाराष्ट्र में, और कोसी परियोजना है ये बिहार में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4। बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल, शारदा सहायक उत्तर प्रदेश, भीमा महाराष्ट्र, कोसी बिहार। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं तीन नंबर प्रश्न में। इसमें देखो, उष्ण कटिबंधीय आद्र सदा हरित वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय आद्र सदा हरित वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिलोंग पठार में। ठीक है, शिलोंग पठार में ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा का वर्ष है। तो दोस्तों, कौन सा वर्ष है राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है 1952। बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पांच नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, किसी नदी के ऊपरी से निम्न मार्ग की ओर पाए जाने वाले निम्नलिखित स्थलाकृतिक लक्षणों का कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो कौन सा एक सही अनुक्रम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है सिपिकाए, चाप झील और जवार नदमुख। ठीक है, ये दोस्तों इसका सही अनुक्रम है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों, भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का सबसे अधिक चावल पैदा करने वाला राज्य है? तो सबसे अधिक चावल पैदा करने वाला राज्य है दोस्तों कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट आठ नंबर प्रश्न देखो, देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य है तो कौन सा है? वो है दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनाज होता है। बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट सियाचिन है, तो दोस्तों सियाचिन है ये क्या है? ठीक है, सियाचिन है ये भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र है सियाचिन। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर भी बोलते हैं जिसको अपन। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है दस नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, भारत के निम्नलिखित किस द्वीप में ज्वालामुखी उद्गार होता है? तो दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार है वो कौन से द्वीप में होता है भारत के अंदर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बेरन द्वीप। डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भारत में दो ही ज्वालामुखी है, एक तो है नारकोंडम और एक है बेरन। ठीक है, तो जो नारकोंडम है वो तो सुषुप्त है और बेरन है इसमें दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूलतः प्रवाल द्वीप है? निम्न में से कौन सा मूलतः प्रवाल द्वीप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है लक्षद्वीप। डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, हिमालयी और प्रायद्वीपीय
हिमालय और प्रायद्वीप नदियों में मुख्य अंतर यह है कि, तो दोस्तों अंतर क्या है दोनों की नदियों के अंदर वो अपने को इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय नदियां चट्टानी भूभाग से बहती है जबकि हिमालयी नदियां नहीं, ठीक है। तो दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सॉरी इसमें देखो हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य अंतर बताना है अपने को और नीचे दिए गए जो कथन है उनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखो सही इसमें से कौन कौन सा होगा, सिर्फ एक ही सही होगा दोस्तों हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में। हिमालयी नदियां सदावाही है जबकि प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर आश्रित है, ये दोस्तों इसका मुख्य अंतर हो जाएगा। ए नंबर का यानी कि एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चट्टानी भूभाग वाला है ये इसमें गलत है और प्रायद्वीपीय भारी मात्रा में पानी का बहाव होता है ये भी इसमें गलत है, तो एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक, ठीक है केवल एक। नेक्स्ट थर्ड नंबर सॉरी 13 नंबर प्रश्न है इसमें देखो सुमेलित कीजिए, एक तरफ है सूची फर्स्ट और दूसरी तरफ है सूची सेकंड, अपने को क्या करना है इसमें, तो सुमेलित करना है। एक तरफ है दोस्तों इसमें बाघ परियोजनाएं और दूसरी तरफ है राज्य, तो देखो सुमेलित करते हैं। बांदीपुर परियोजना है ये दोस्त, बांदीपुर बाघ परियोजना है ये दोस्तों कहाँ पर होती है, तो ये होती है दोस्तों कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर है बांदीपुर परियोजना, ठीक है बांदीपुर। और कान्हा का तो दोस्तों आपको याद होगा कान्हा है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, कहाँ पर है मध्य प्रदेश के अंदर, कान्हा मध्य प्रदेश, ठीक है। और मेलघाट है ये दोस्तों कहाँ पर है, मेलघाट देखो दोस्तों इसके अंदर मेलघाट है वो कहाँ पर है, बारह नंबर प्रश्न है हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य अंतर यह है कि, तो दोस्तों इसमें जो मुख्य अंतर है वो कौन सा है, तो इसमें देखो हिमालयी नदियां सदावाही है जबकि प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर आश्रित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन, ठीक है ये बिल्कुल सही है। और देखो इसके अंदर प्रायद्वीपीय नदियाँ चट्टानी भूभाग से बहती है जबकि हिमालय नदियाँ नहीं, ये दोस्तों इसमें ये गलत हो जाएगा, प्रायद्वीपीय नदियाँ से भारी मात्रा में पानी का बहाव होता है ये भी दोस्तों इसके अंदर गलत है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। अब देखो इसमें कथन कौन सा सही है इसके अंदर नीचे दिए गए कूट भाषा में, ठीक है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन केवल एक। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है इसमें देखो सुमेलित कीजिए, ठीक है एक तरफ है सूची फर्स्ट और दूसरी तरफ है सूची सेकंड, सूची फर्स्ट के अंदर है बाघ परियोजनाएं और सूची सेकंड के अंदर है राज्य, तो देखो बांदीपुर बाघ परियोजना है ये दोस्तों कहां पर है, ये परियोजना है कर्नाटक में, कहां पर है कर्नाटक में है बांदीपुर परियोजना। अब देखो कान्हा कहां पर है दोस्तों, कान्हा का तो नाम सुना होगा आपने, कान्हा है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है कान्हा बाघ परियोजना मध्य प्रदेश के अंदर है। और मेलघाट दोस्तों मेलघाट परियोजना है ये महाराष्ट्र में है और सिमलीपाल है ये दोस्तों कहाँ पर है ओडिशा में, ठीक है सिमलीपाल बाघ परियोजना ओडिशा में, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5314, ठीक है 5314 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कूट भाषा में देखो सही उत्तर क्या होगा इसका, बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको 5314। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है इसमें देखो कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में पड़ता है, तो दोस्तों इसका डेल्टा है वो किस राज्य में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा, आंध्र प्रदेश में, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है इसमें देखो
निम्नलिखित में से किस नदी का भारत में अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? तो भारत में अपवाह क्षेत्र है वो दोस्तों सर्वाधिक किसका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र का, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो इसमें देखो 16 नंबर प्रश्न में, तो इसमें सुमेलित कीजिए, ठीक है, एक तरफ है सूची फर्स्ट और दूसरी तरफ है सूची सेकेंड, तो अपने को क्या करना है इसमें सुमेलित करना है, एक तरफ है स्थान दूसरी तरफ है विद्युत परियोजनाएं। तो देखो कल्पकम परियोजना है ये दोस्तों, विद्युत परियोजनाएं कौन सी है, ये है दोस्तों इसके अंदर परमाणु, ठीक है। कोलकाता के अंदर है ये दोस्तों कौन सी परियोजना है, ये है ताप परियोजना। और कोयना, कोयना के अंदर दोस्तों कौन सी परियोजना है, तो ये जल परियोजना है। और भावनगर में जवारीय परियोजना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2143, 2143 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूटभाषा में देखो इसका 2143 कौन सा होगा, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 2143 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है, तो निम्न में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी है वो दोस्तों कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक की यात्रा में गंगा नदी निम्न में से किस स्थान को नहीं छूती है, गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक यात्रा करने में, गंगा नदी निम्न में से किस स्थान को नहीं छूती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लखनऊ के अंदर, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है, भारत का चावल का कटोरा है, तो दोस्तों कौन सा है भारत का चावल का कटोरा, सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भूटान की सीमा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों के साथ है, भूटान की सीमा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों के साथ है, सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है, भूटान की सीमा इन भारतीय राज्यों के साथ में मिलती है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारत की लाल मृदाओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है, तो कौन सा कथन है वो सही है ये दोस्तों अपने को इसमें बताना है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऐसे ही प्रश्न है ये दोस्तों परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, तो इसमें देखो कौन सा कथन है वो मैं आपको बता देता हूँ, मृदा का रंग उसमें फेरिक ऑक्साइड के अंश के कारण होता है, कारण लाल होता है, ठीक है, तो इसका ये भी बिल्कुल सही है, ये दूसरा दोस्तों ये इसमें गलत हो जाएगा, ये सरंध्र होती है और इनकी संरचना चूर्णशील होती है, तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। आगे चलते हैं, तो इसमें देखो कूटभाषा के अंदर क्या होगा इसका, तो बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा जिसमें 1 और 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 22 नंबर प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसके अंदर देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का 98% कोयला पाया जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, कार्बोनिफेरस युग में इस कोयले का निर्माण हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। अब देखो कथनों में कौन सा कथन सही है, वो है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन, 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न के अंदर देखो निम्नलिखित कारणों में से कौन से मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए जिम्मेदार है, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए जिम्मेदार है, तो दोस्तों इसमें देखो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्न दाब का विकास बिल्कुल सही है, व्यापारिक पवनों का विचलन या विक्षेप ये भी बिल्कुल सही है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ये दोनों ही है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कूटभाषा में देखो सी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्न प्रकार की मिट्टियों में से कौन सी खाद्यान्न के लिए सर्वाधिक उपजाऊ है, तो खाद्यान्न के लिए दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ है ये कौन सी है, तो ये जलोढ़ मिट्टी है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट काली मिट्टी
किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों ये कपास फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट आगे चलते हैं 26 नंबर प्रश्न में। इसमें देखो, भारतीय मिट्टी में प्राय किन दो तत्वों की कमी पाई जाती है जिसे प्रति हेक्टर उत्पादन कम हो जाता है? भारतीय मिट्टी में प्राय किन दो तत्वों की कमी पाई जाती है जिससे प्रति हेक्टर उत्पादन कम हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है फास्फोरस और नाइट्रोजन। बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो, इंदिरा पॉइंट किसे कहते हैं? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट है ये ग्रेट निकोबार के दक्षिण छोर को कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न में देखो, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तीन देशों से मिलती है? तो दोस्तों वह राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट, भारत के निम्नांकित शैल समूह में से कौन सा अत्यधिक धात्विक है? तो कौन सा अत्यधिक धात्विक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका, वो है धारवाड़। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो वो जोड़ता है दोस्तों जो जिला दर्रा, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट आगे चलते हैं 31 नंबर में। देखो, पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? तो दोस्तों किन्हें जोड़ता है पालघाट, वो जोड़ता है दोस्तों कोची को कोयम्बटूर से। ठीक है, तो कोची कहाँ पड़ता है, केरल में, और कोयम्बटूर कहाँ, तमिलनाडु में। तो दोस्तों केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है पालघाट। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न में देखो, ठीक है, 32 नंबर प्रश्न में देखो, निम्नलिखित कथनों में से राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार के विषय में कौन सा कथन है वो सही है? तो देखो, राजस्थान में प्रमुख पवन की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, अतः उस दिशा में मरुस्थलीकरण की प्रवृत्ति अधिक हुई है। बिल्कुल सही है, थार मरुस्थल प्रमुख रूप से मानसून परिचालित रेतीला मरुस्थल है जहाँ गर्मी के महीने के दौरान वातीय अपरदन एक मुख्य समस्या है, जबकि अरावली पर्वत श्रेणी मरुस्थल के फैलने में मुख्य अवरोधक है। वहां पर्वत श्रेणी में अनियंत्रित खनन से निर्मित कृतन मरुस्थल के फैलाव को आगे ले जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा, कूट भाषा में, ये दोनों के दोनों सही है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में, इसमें देखो, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती? तो कहाँ से होकर नहीं गुजरती कर्क रेखा, सही उत्तर हो जाएगा इसका, ओडिशा से। बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH है? तो सबसे लंबा NH है वो दोस्तों कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है सबसे लंबा NH 8। सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं 35 नंबर प्रश्न में। इसमें देखो, भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण से संबंध एल नीनो बोल सकते हैं अपन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों एक असाधारणतः तृप्त महासागरीय धारा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न में देखो, भारत के विभिन्न हिस्सों में कृषि उत्पादन भिन्न भिन्न तीव्रताओं के बाढ़ और सूखों के बहुत अधिक प्रभावित है। ठीक है, सूखों से बहुत अधिक प्रभावित है, उस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय धारणीय नहीं होगा? तो वो कौन सा नहीं होगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका, कृषि के लिए बाढ़ और सूखा प्रवण क्षेत्रों का परिहार, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न में इसमें देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के स्वर्णिम चतुर्भुज का उद्देश्य है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज का दोस्तों उद्देश्य क्या है? तो देखो, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ना, यही उद्देश्य है दोस्तों
सर्वनिम चतुर्भुज का ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न में देखो, दो राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं एक दूसरे से मिलेंगे, तो दोस्तों ये एक दूसरे से कहां पर मिलेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है झांसी में। ठीक है, झांसी में मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे, झांसी में। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न में देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 39 नंबर, सुमेलित कीजिए, एक तरफ है दोस्तों इसके अंदर क्या सूची फर्स्ट और दूसरी तरफ है सूची सेकंड, अपने को क्या करना है इसमें सुमेलित करना है। तो देखो सुमेलित करते हैं कुमाऊं हिमालय, तो दोस्तों कुमाऊं हिमालय है ये कहां से कहां तक है, ये कुमाऊं हिमालय है दोस्तों सतलज से काली के मध्य स्थित है कुमाऊं हिमालय। नेपाल हिमालय है ये दोस्तों काली व तिस्ता के मध्य स्थित है नेपाल हिमालय। पंजाब हिमालय है ये दोस्तों सिंधु और सतलज के मध्य स्थित है, और असम हिमालय है ये तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 4213, 4213 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कूट भाषा के अंदर देखते हैं चार नंबर का ऑप्शन यानी कि डी नंबर का ऑप्शन है ये इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं तो इसमें देखो 40 नंबर प्रश्न में, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं दोस्तों कहाँ पर, केरल में, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 42 नंबर प्रश्न है, हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक वन का सर्वाधिक क्षेत्र है, तो किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है मेघालय में, डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है मध्य प्रदेश के में, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान के अक्षांश तथा देशांतर क्रमशः 28 डिग्री 38 मिनट तथा या और 77 डिग्री 12 मिनट है, तो दोस्तों किस एक स्थान का ये अक्षांश देशांतर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है दिल्ली का, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न में देखो, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांशतः अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है, तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है वो दोस्तों इसमें क्या है, तो इसमें देखो यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में रहती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है इसके अंदर। ठीक है, रिफ्ट घाटी में बहती है, बिल्कुल सही है। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है, और देखो इसमें भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, तो एक और तीन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं 46 नंबर प्रश्न में, इसमें देखो निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें देखो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, तो दोस्तों यही प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही कथन है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, बिल्कुल सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी बिल्कुल सही है। केदारनाथ आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो बांग्लादेश के साथ किसकी सीमा नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है मणिपुर की सीमा नहीं है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है, तो वो दोस्तों करता है पाक जल डमरू मध्य, ये अलग करता है दोस्तों भारत और श्रीलंका को। ठीक है,
बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 49 नंबर प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों न्यू मूर द्वीप है, या अपन बोलते हैं इसको न्यू मूर द्वीप भी बोल सकते हैं। तो न्यू मूर द्वीप है ये दोस्तों कहाँ पर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। देखो सुमेलित करना है, एक तरफ है सूची फर्स्ट, ठीक है, एक तरफ है सूची फर्स्ट और दूसरी तरफ है सूची सेकंड, एक तरफ उत्पाद और दूसरी तरफ है राज्य। तो इसमें देखो केसर है ये दोस्तों कहाँ पर उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, कौन से राज्य में होता है, ये होता है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कॉफ़ी कॉफ़ी होता है दोस्तों कर्नाटक में। ठीक है, और तंबाकू तंबाकू गुजरात के अंदर, और जूट है ये पश्चिम बंगाल के अंदर होता है दोस्तों उत्पादन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4321। तो ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 51 नंबर प्रश्न में। देखो निम्न राज्यों को क्षेत्रफल के आधार पर यदि अवरोही क्रम में विन्यस्त करें तो उनका सही क्रम क्या होगा? तो उनका जो सही क्रम है ये दोस्तों क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न में, इसमें देखो निम्न में से कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सर्वाधिक निकट है? तो कौन सा देश है वो दोस्तों, वो है म्यांमार, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भारत के अधिकतम अन्य राज्य से मिलती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न में देखो भारत और चीन की सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो ये करती है दोस्तों कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 55 नंबर प्रश्न है भारत के खनन उद्योग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर अपने को इसमें विचार करना है। तो देखो खनिजों का स्थानिक वितरण असमान है, बिल्कुल सही है। औपनिवेशिक दिनों से ही खनन उद्योग निर्यातों उन्मुख रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन सही है, तो सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है मरुस्थलीय मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अपने को इसमें बताना है। तो इसमें देखो इस मृदा में लोह और फॉस्फोरस पर्याप्त होता है, तो बिल्कुल सही है। इस मृदा में घुलनशील लवणों का अनुपात अधिक होता है, ये दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, कूटभाषा में देखो सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो निम्न कथनों पर विचार करना है, तो देखो इसके अंदर यह है लाल एवं सॉरी इसमें देखो दोबारा लाल एवं पीली मिट्टी प्रवेश होती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। यह मिट्टी मुख्यतः मैदानी भागों में मिलती है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। 58 नंबर प्रश्न में देखो सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड दी गई है, एक तरफ है क्षेत्र दूसरी तरफ है राज्य। ठीक है, तो अब देखो विदर्भ, तो दोस्तों विदर्भ है ये कहां पर है, ये है दोस्तों विदर्भ, ये दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, कहां पर है विदर्भ, महाराष्ट्र के अंदर है। रायलसीमा, रायलसीमा है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, और इसके बाद में काठियावाड़, काठियावाड़ तो दोस्तों सबको पता होगा ये गुजरात के अंदर है, और छोटा नागपुर का पठार है, सॉरी छोटा नागपुर है ये कहाँ पर है, ये झारखंड में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 1, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, 3, 4, 5, 1। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है गंगा बेसिन में वर्षा वितरण प्रतिमान घटता जाता है, गंगा बेसिन में वर्षा वितरण प्रतिमान घटता जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 60 नंबर प्रश्न में इसमें देखो जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखो इसमें फॉस्फोरस, देखो कूटभाषा में देखते हैं, ठीक है कूटभाषा भी है नीचे, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही है, तो देखो यह नदी घाटी में प्राप्त होता है, यह
सामान्यतः नदी घाटी में प्राप्त होता है कौन, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, नदी घाटी में प्राप्त होती है जलोढ़ मिट्टी। और देखो दोस्तों इसके अंदर इसका निक्षेपण नदियों के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। इसमें फास्फोरस की अधिकता किंतु पोटास, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ये कम होता है, ये गलत हो जाएगा इसमें। यह सर्वाधिक उर्वर मिट्टी है तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं 61 नंबर प्रश्न में। इसमें देखो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोंडवाना महाद्वीप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा या कौन भारत से होकर गुजरता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसके अंदर कर्क रेखा, ठीक है। नेक्स्ट है 63 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है ये दोस्तों भारत के ऊपर से गुजरती है, नीचे से गुजरती है, मध्य से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है कर्क रेखा, तो दोस्तों भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी भू सीमा मिलती है, तो किस देश के साथ मिलती है सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ में, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 65 नंबर प्रश्न है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, कितना अंतर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है 5.5 घंटे का, ठीक है। नेक्स्ट है 66 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारत में झूम कृषि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन है वो सत्य है, तो इसमें देखो यह है सबसे अधिक असम में होती है, इसे काटो एवं जलाओ तकनीक के नाम से जाना जाता है, इस विधि से भूमि की उर्वरता कुछ वर्षों में समाप्त हो जाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों ही सही है, टुकुट भाषा में 1, 2, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न में, इसमें देखो हिमालयी नदियों की विशेषताओं के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है, उसका अपने को क्या करना है इसमें चयन करना है, तो देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो इनकी प्रकृति सदाबहार होती है, ये लंबे पतले गलियारे नुमा जलमार्गों का निर्माण करती है तथा इनमें भूरक्षण की उच्च क्षमता पाई जाती है, तो दोस्तों ये भी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल सही है। ये सभी नदियां अरब सागर में गिरती है, ये दोस्तों इसके अंदर गलत हो जाएगा, ठीक है। इनमें काफ़ी बड़े मुहाने पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, तो देखो डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट आगे चलते हैं 68 नंबर प्रश्न में, इसमें देखो भारत में लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है, लेटेराइट मिट्टियों के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही है, तो इसमें देखो ये साधारणतः लाल रंग की होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और देखो दोस्तों इसके अंदर इन मिट्टियों में टेफियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4, ठीक है, कूट भाषा में देखो 1 और 4 सी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही विन्यास कौन सा है, तो सही विन्यास दोस्तों इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोदावरी, कावेरी, पेन्नर और पेरियार, सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए एक तरफ सूची फर्स्ट और दूसरी तरफ है सूची सेकंड है, तो देखो सुमेलित करते हैं भाबर, तो दोस्तों भाबर है ये अत्यधिक प्रवेश है, और तराई है दोस्तों गहन वन व जीव जंतु, तराई है गहन वन व जीव जंतु। बांगर है तो दोस्तों बांगर तो सबको पता होगा, बांगर है प्रौढ़ जलोढ़ यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा। खादर है दोस्तों नवीन जलोढ़ मृदा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 1 ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, हिमालय को सामान्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है, उनमें से कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा इसमें कराकोरम। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है, तो दोस्तों कौन सा दर्रा नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा,
पीपली घाट है। डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 73 नंबर प्रश्न है, जवार सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों किस प्राकृतिक दर्रे को, तो बनिहाल दर्रे को। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों से संबंधित है? तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा, सुंदरवन का डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का प्रसिद्ध डेल्टा है। ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर प्रश्न में, इसमें देखो, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला जलमार्ग किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 10 डिग्री जलमार्ग से। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, राजस्थान में अल्प वर्षा का कारण है, तो अल्प वर्षा का जो कारण है वो दोस्तों कौन सा है? तो देखो, आर्द्रता युक्त पवनों के मार्ग में कोई अवरोध नहीं है जिसके सहारे ये ऊपर उठकर शीतल हो सके। डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 77 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है, तो इसमें देखो, अकस्मात तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 78 नंबर प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला, दोबारा देखो, अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है लेकिन दोनों स्थानों की जलवायु में अंतर है, इसका कारण है? तो दोस्तों इसका कारण है वो क्या है, तो दोनों स्थानों की ऊंचाई में अंतर है। एक नंबर का या ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई में अंतर होने के कारण उनकी जलवायु अलग अलग है। नेक्स्ट है 79 नंबर प्रश्न में, देखो, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, एक तरफ है बांध और दूसरी तरफ है प्रदेश। ठीक है, तो अपने को सुमेलित करना है, तो देखो फरक्का बांध है ये दोस्तों कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में है, फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में, और घटप्रभा बांध है ये दोस्तों कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है, हीराकुंड है ये मां नदी पे बना हुआ है, ये दोस्तों ओडिशा के अंदर है, और काकरा पारा है ये दोस्तों गुजरात के अंदर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 4, 2, 3, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न में, इसमें देखो, निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ साझी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 81 नंबर प्रश्न में, इसमें देखो, ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों प्रदेशों में बहती है? ये दोस्तों बहती है किसमें, चीन, अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश में, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में कौन सा बेसिन सबसे बड़ा है? तो दोस्तों कौन सा बेसिन सबसे बड़ा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गंगा का बेसिन, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 83 नंबर प्रश्न में, इसमें देखो, बंगाल की खाड़ी की ओर जाते हुए गंगा नदी कौन से राज्यों में से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों कौन से राज्यों में से नहीं गुजरती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ओडिशा में। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट आगे चलते हैं 84 नंबर प्रश्न में, इसमें देखो, कूट भाषा में क्या, ठीक है, 84 नंबर प्रश्न में देखो, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा है वो सही है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ इसमें कौन सा सही है। ठीक है, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, ये दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और दोस्तों इसके बाद में देखो, देश की कुल भूमि का एक तिहाई वनाच्छादित करना, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2 और 3, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कूट भाषा में देखो, 2 और 3 यानी कि डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक लंबी है? तो दोस्तों कौन सी नदी सर्वाधिक लंबी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सी, गोदावरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो दोस्तों कौन सी नदी का उद्गम है स्थल है वो भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो है घाघरा नदी का, डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 87 नंबर प्रश्न है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा है, कर्नाटक। नेक्स्ट है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च
या सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कहाँ है? तो दोस्तों कहाँ पर है, सही उत्तर हो जाएगा इसका, वो है सिक्किम में। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न है, भारत की जलवायु है। तो दोस्तों भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, ये दोस्तों उपोष्ण मानसूनी है, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न में, इसमें देखो निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष की शेष अवधि की तुलना में शीत ऋतु में वर्षा अधिक होती है। दोबारा देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष की शेष अवधि की तुलना में शीत ऋतु में वर्षा अधिक होती है? तो दोस्तों कहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है तमिलनाडु में, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 91 नंबर प्रश्न है, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि मुंबई पवनाभिमुखी है, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न में देखो, भारत में काली मिट्टी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों अपने को विचार करना है। तो देखो, काली मिट्टी में पौधों की समृद्धि के लिए जरूरी नाइट्रोजन और साथ ही फास्फोरस पर्याप्त होता है। तो दो नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसमें केवल दो ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 93 नंबर प्रश्न है, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नंदा देवी शिखर है ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट आगे चलते हैं 94 नंबर प्रश्न में, इसमें देखो उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दी गई पहाड़ियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो कौन सा सही अनुक्रम है, तो देखो सबसे पहले कैमूर की पहाड़ियाँ, फिर महादेव पहाड़ियाँ, फिर सतमाला पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला में कश्मीर से सिक्किम की ओर जाने में नीचे दिए गए दर्रों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है जोजिला, शिपकिला और नाथुला, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 96 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो हिमालयी क्षेत्र खनिज संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध नहीं है, कारण? तो दोस्तों इसका कारण है वो क्या है, ठीक है, इसका कारण देख लेते हैं दोस्तों, कूटभाषा में नहीं है, ठीक है। इसका कारण हो जाएगा चट्टान संस्तरों के खिसकाव या स्थानांतरण के कारण चट्टान व्यवस्था बिगड़कर जटिल हो जाती है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 97 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीन चट्टाने पाई जाती है? तो कहाँ पर प्राचीन चट्टाने पाई जाती है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका, वो है अरावली में, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट कावेरी जल विवाद निम्न में से दो राज्यों के बीच है, तो किन दो राज्यों के बीच में स्थित है कावेरी जल विवाद? सही उत्तर हो जाएगा इसका, वो है कर्नाटक व तमिलनाडु में, ठीक है। 99 है, कावेरी नदी किस किस राज्य से होकर बहती है? तो दोस्तों किस किस राज्य से होकर बहती है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, चारों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, ठीक है, 1, 2, 3, 4। 100 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सुमेलित कीजिए, एक तरफ है सूची फर्स्ट और दूसरी तरफ है सूची सेकंड, तो अपने को क्या करना है इसमें, सुमेलित करना है। तो इसमें देखो कोयम्बटूर, तो दोस्तों कोयम्बटूर में सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है। राउरकेला के अंदर लोहा इस्पात उद्योग है, कपूरथला के अंदर रेल डिब्बा उद्योग है, और बरौनी के अंदर क्या है, तेल शोधन कारखाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 101 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पश्चिम घाट में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा पर्वत है वो पश्चिम घाट में सम्मिलित नहीं है? तो इस दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है पंचमलाई, डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है? तो दोस्तों रानीगंज पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो इसका संबंध है ये किससे है, तो ये कोयला क्षेत्रों से है, रानीगंज में कोयला उत्पादन होता है। नेक्स्ट 103 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खाद्यान्न के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पन्ना में क्या उत्पादन होता है या कौन सी खाद्यान्न के लिए प्रसिद्ध है, सही उत्तर हो जाएगा इसका, हीरा, ठीक है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। नेक्स्ट
भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो दोस्तों कहाँ बनाए जाते हैं, तो ये तो सबको पता होना चाहिए, कपूरथला तथा पेरम्बूर में, ठीक है, यहाँ पर बनाए जाते हैं रेल के डिब्बे। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। 105 नंबर प्रश्न में देखो, सुमेलित कीजिए, एक तरफ है सूची फर्स्ट और दूसरी तरफ है सूची सेकेंड, ठीक है। तो इसमें देखो आदिरापल्ली जलप्रपात है ये दोस्तों कहाँ पर है, ये केरल के अंदर है। कपिलधारा जलप्रपात है ये दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर है। केमपट्टी जलप्रपात है ये उत्तराखंड में है। और राजरप्पा जलप्रपात है ये दोस्तों कहाँ पर है, ये झारखंड में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4321 डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 106 नंबर प्रश्न में देखो, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 107 नंबर प्रश्न में इसमें देखो, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है अपने को, तो इसमें देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा का कुछ थोड़े महीनों में जोर होना। तो दोस्तों 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 108 नंबर प्रश्न में देखो, भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण से संबंध अल नीनो एक असाधारणत तृप्त महासागरीय धारा है, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो कहां पर पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट है 110 नंबर प्रश्न में देखो, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, चिल्का झील, पुलिकट झील, वेम्बदा झील, तो उपरोक्त में से कौन सी लेंगुल झील है, तो इनमें से कौन सी है, वो लेंगुल झील है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी के सभी है, ये लेगुन झीलें हैं। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न में देखो, सुमेलित कीजिए, एक तरफ है सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड, एक तरफ है नदी, दूसरी तरफ है उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, उनकी सहायक नदी कौन कौन सी है ये अपने को इसमें बताना है। तो इसमें देखो ब्रह्मपुत्र की दोस्तों जो सहायक नदी है वो कौन सी है, वो है इसके अंदर दिखो, देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है इसमें दिखो, मूसी की सहायक नदी है मूसी, और नर्मदा की जो सहायक नदी है वो है तवा, और कावेरी की सहायक नदी है वो है कौन सी, भवानी, ठीक है, सॉरी भवानी, कावेरी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, भवानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4123 बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 12 नंबर प्रश्न में, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी 3 नदियों का स्रोत अमरकंटक क्षेत्र से है, तो कौन सी 3 नदियां हैं वो अमरकंटक से निकलती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है देखो कौन कौन सी, एक तो है दोस्तों इसमें सोन, नर्मदा और महानदी, ये 3 नदियां हैं दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। नेक्स्ट है, पारादीप बंदरगाह है कहाँ स्थित है, तो दोस्तों पारादीप जो बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ओडिशा में, डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट है 114 नंबर प्रश्न में देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें देखो पूरे वर्ष 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं वेस्टर्लीजा कहलाती है, बिल्कुल सही है। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहितियां माइस्ट एयर मासेज ये पछुआ हवाओं का भाग है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय पठार किसमें मिट्टी का अभाव पाया जाता है, ठीक है, भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय पठार में मिट्टी का अभाव पाया जाता है, तो कौन सी मिट्टी का अभाव पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसके अंदर पोर्ट जोल मिट्टी का, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 116 नंबर प्रश्न में देखो,
निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता, तो कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है जलोढ़ मैदान के उदाहरण हैं, तो दोस्तों जलोढ़ मैदान के जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखो इसके अंदर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, छत्तीसगढ़ का मैदान है, ये दोस्तों ये मिसिसिपी का मैदान, ये इसमें गलत हो जाएगा। जलोढ़ मैदान का उदाहरण 1, 2 और 4 सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है कृत्रिम झील गोविंद सागर है, ये दोस्तों कहाँ पर है, सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है बगलीहार जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में है, तो दोस्तों ये किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 120 नंबर प्रश्न में देखो सुमेलित कीजिए, 120 नंबर प्रश्न है इसमें देखो सुमेलित कीजिए, एक तरफ तो है दोस्तों इसमें क्या, एक तरफ है दोस्तों इसके अंदर परमाणु शक्ति केंद्र और दूसरी तरफ है राज्य, ठीक है, एक तरफ तो क्या है परमाणु शक्ति केंद्र और दूसरी तरफ है राज्य, तो अपने को इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है, तो देखो इसके अंदर सुमेलित करते हैं। काकरापारा, तो दोस्तों ये कहाँ पर है, ये है दोस्तों गुजरात के अंदर, ठीक है। नरोरा ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। कल्पक्कम ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु के अंदर है। तारापुर, तारापुर है दोस्तों महाराष्ट्र में, और कोटा है ये राजस्थान में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 5, 3, 4, 1, ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 5, 3, 4, 1, सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न में देखो शब्द स्वर्णिम चतुर्भुज से क्या तात्पर्य है, तो शब्द है अपना स्वर्णिम चतुर्भुज, तो इससे तात्पर्य क्या है, इससे तात्पर्य है दोस्तों चार भारतीय महानगरों शहरों को जोड़ने वाली राजमार्ग विकास परियोजना है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज है। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित शहरों में से किस एक में पूरे वर्ष के दौरान सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ती, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है श्रीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट है आगे चलते हैं 23 नंबर प्रश्न में, इसमें देखो भारत के जिन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है वे हैं, तो वे कौन से हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, स्थापित यहाँ पे नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। 24 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है गुजरात में, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, तो वो कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मुंबई, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 126 नंबर प्रश्न में इसमें देखो भारत के किस राजमार्ग में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, भारत के किस राजमार्ग में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है, तो सबसे अधिक लंबाई है दोस्तों किसकी है, तो वो है कोलकाता हंजीरा की, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 28 नंबर प्रश्न में देखो वन रिपोर्ट 2015 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो निम्न कथनों पर अपने को इसमें विचार करना है, तो देखो भारत में कुल वनावरण 21.34% है, बिल्कुल सही है, प्रतिशत की दृष्टि से साधारण वनावरण वाला राज्य मिजोरम है, बिल्कुल सही है, हरियाणा सबसे कम वनावरण वाला राज्य है, ये भी बिल्कुल सही है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, ये सभी हैं। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न में इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संघीय राज्य क्षेत्रों का उनके क्षेत्रफलों के वर्तमान क्रम में सही अनुक्रम है, तो दोस्तों इसमें सही अनुक्रम बताना है कि इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो चलो देखते हैं इसके अंदर, तो देखो लक्षद्वीप चंडीगढ़ पुद्दुचेरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न में देखो गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण है, तो क्या है इसका कारण, इसका कारण है दोस्तों वार्षिक बाढ़
एवं नवीन जलोढ़ मृदाखा जमाव। डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, विंध्य पर्वतों के किस वृक्ष से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ब्रह्मसेत पर्वत, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न में देखो, निम्न राज्यों को पवन ऊर्जा उत्पादन के अवरोही क्रम में सजाएं, तो पवन ऊर्जा उत्पादन के अवरोही क्रम में अपने को इसमें सजाना है, तो देखो सबसे पहले आएगा इसके अंदर तमिलनाडु एक नंबर पे, उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों गुजरात दो नंबर पे, महाराष्ट्र तीन नंबर पे और कर्नाटक चार नंबर पे, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 1, 3, 2, 4, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 33 नंबर प्रश्न में देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर इसका मुख्यालय, ठीक है ये इसमें गलत हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 34 नंबर प्रश्न में देखो, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो खरीफ की फसल दोस्तों इनमें से कौन सी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सरसों, डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट है, वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला संघ शासित राज्य है, तो कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लक्षद्वीप, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 36 नंबर प्रश्न में देखो, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है, तो कहाँ से किया जाता है, तो बॉम्बे हाई से किया जाता है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न में देखो, भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार करना है, तो निम्न कथनों पर अपने को विचार करना है, इसके अंदर कौन सा कथन है वो सही है, तो देखो ये मैग्नीशियम व कैल्शियम की दृष्टि से अच्छी होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों, काली मृदा है ये मैग्नीशियम व कैल्शियम की दृष्टि से अच्छी होती है, जब ये सूखती है तो दरारें बनाती है, बिल्कुल सही है, यह कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, 1, 2, 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखो ये सभी है दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में देखो, सुमेलित कीजिए, एक तरफ है सूची फर्स्ट और दूसरी तरफ है सूची सेकंड, सूची फर्स्ट में नदी है और सूची सेकंड में उद्गम स्थान, ठीक है तो अपने को इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है, तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है नदी और उनका उद्गम स्थल, तो देखो सिंधु नदी का उद्गम है ये दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है, गंगा नदी का है ये दोस्तों कहाँ से है, गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से, ठीक है सिंधु नदी तो हो गया तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है और गंगा नदी हो गई गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से, ठीक है और देखो इसके अंदर बेतवा और कावेरी ये दोनों बच गए दोस्तों, कावेरी का जो उद्गम है ये दोस्तों ब्रह्मगिरी के पहाड़ी कर्नाटक से होता है और बेतवा का होता है विंध्याचल पर्वत से, ठीक है विंध्याचल पर्वत से, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, ठीक है 3, 4, 2, 1 बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 139 नंबर प्रश्न है इसमें देखो, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड केंद्र और राज्य ठीक है दिए गए हैं, अपने को इसमें क्या करना है, मिलान करना है, तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो हजीरा है ये दोस्तों कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है दोस्तों कहां पर है, गुजरात में, मानगुरु पड़ता है दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश में, और थाल पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र में, और तलचर कहाँ, ओडिशा में, ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन। 40 नंबर प्रश्न देखो, भारत में वर्षा के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है, तो कौन सा कथन है वो सही है ये अपने को इसमें बताना है, तो इसमें देखो भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, बिल्कुल सही है, दक्षिण भारत में वर्षा पूर्वी घाटी से दूर घटती जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन 1 और 2 इसमें दोनों सही है। 41 नंबर प्रश्न में देखो, देश में ताजे जल की मछलियां सर्वाधिक पकड़ी जाती है, तो ये कहां पर पकड़ी जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है कहां पर है,
पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आगे चलते हैं 42 नंबर प्रश्न में। इसमें देखो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, अपने को इसमें सुमेलित करना है। एक तरफ है तट तो दूसरी तरफ है नाम, एक तरफ तट दूसरी तरफ है नाम, अपने को क्या करना है इसमें सुमेलित करना है। तो देखो सुमेलित करते हैं। कोंकण तट, कोंकण तट है ये दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, ये उत्तरी पूर्वी तट के नाम से जाना जाता है कोंकण तट। ठीक है, सॉरी दोस्तों इसके अंदर देखो कोंकण तट है ये उत्तरी पश्चिमी तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी लिख दिया, उत्तरी पश्चिमी तट के नाम से। मालाबार तट है ये दोस्तों दक्षिण पश्चिम घाट के नाम से या दक्षिण पश्चिम तट के नाम से जानते हैं। कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट को जानते हैं दोस्तों वो है दक्षिण पूर्वी तट के नाम से जानते हैं, और उत्तरी पठार है उसको उत्तरी पूर्वी तट के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2 3 1 4, इसमें देखो कौन सा उत्तर है इसका, 2 नंबर का ऑप्शन 4 नंबर का ऑप्शन यानी कि डी नंबर का ऑप्शन, 2 3 1 4। नेक्स्ट 143 नंबर प्रश्न में देखो राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति के संबंध में निम्न कथनों पर अपने को विचार करना है। ठीक है, तो देखो देश की कुल भूमि का एक तिहाई भाग वनाच्छादित करना है, बिल्कुल सही है। वन प्रबंधन में जन समुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना है, तो दोस्तों ये और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 44 नंबर प्रश्न में। इसमें देखो निम्नलिखित में से किस में या किन में प्रवाल भित्तियां हैं, तो निम्न में से किस में है वो प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, सुंदरबन में। ठीक है, इन चारों में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, ये सभी। तो दोस्तों ये हो गए भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न 144। ठीक है, तो दोस्तों आगे इससे नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो आएगा दोस्तों वो आएगा विश्व का भूगोल का, जिसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। उसके बाद में दोस्तों पॉलिटिकल का आएगा, जिसमें पॉलिटिकल के इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। फिर ये सीरीज खत्म होने के बाद में दोस्तों फिर वो प्रश्न होंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं 2015 के अंदर, 16 के अंदर, 17 के अंदर, 18 के अंदर, ये जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ज्योग्राफी में से, पॉलिटिकल में से, ठीक है, इतिहास में से, सब में से पूछे गए हैं। तो वो अलग अलग सीरीज इसकी चलेगी। ये दोस्तों एसएससी, बैंक, रेलवे, राजस्थान पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, ठीक है, सब के अंदर टीचर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट, आरएएस, आईपीएस, ठीक है, आईएएस, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी आराध्य आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।